नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन के दौरान जो हम डिस्कशन करने वाले हैं आपसे वो है अलजेब्रा। बहुत मजा आने वाला है। इस सेशन के दौरान हम जानेंगे कि अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे उनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हम आपको बताएंगे, उन स्टेप्स को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं करना। आइए हम सवालों के माध्यम से अपनी बात रखते हैं आप तक। देखो जरा, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज हमने कहा आपसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू अगर 5 है और हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, कितनी होगी हमारे पास वैल्यू? ये सवाल है हमारा। इस टाइप के सवाल मैंने आपको कराए हैं अगर आपको याद हो तो, लेकिन ये फाइनल टच हम एक बार देंगे इसे, इस टाइप के सवालों को। देखो, एक तो इसका पैटर्न ये है, हम आपको बताएं अगर यहाँ पर क्या करते हैं हम, 5 का स्क्वायर -2 क्यों करते हैं, पूरी बात आपको समझाने वाले हैं अभी। इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 23। ठीक है, इस टाइप के सवाल हमारे सामने पूछे जाएंगे। एक दूसरा टाइप का सवाल हमसे पूछा जाता है, मैं पूरा बैकग्राउंड आपको बताने वाला हूँ इस सवाल का, आप तनिक भी चिंतित मत होइए। जैसे अगर एक सवाल हमारे पास है कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर हमारे पास 7 है, या कुछ भी डेटा हो सकता है यहाँ पर, और हमें बताना हो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, क्या कहेंगे आप? ये वैल्यू हमें दी गई है, इसकी मदद से हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर करने वाले ये हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे हम, लेकिन इस बार जोड़ेंगे हम। मैं आपको एक हिंट देता हूँ अच्छी वाली, देखना जरा ध्यान से। अगर हमारे पास यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ पे नहीं देख रहे, ध्यान रखना इस बात का। अगर यहाँ पर प्लस दिया गया है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर यदि हमें माइनस दिया गया है तो फिर हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, सर यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं। ये हमने एक ट्रिक आपको बता दी है, इसको थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे ना तो काम काफी आसान हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 51 हो जाएगा। अब इसकी पूरी ट्रिक हम आपको, या जो भी लॉजिक है, जो भी तरीके हैं, वो सारे आपको बता दे रहे हैं, कहाँ से निकले वो बारी बातें भी बता देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर के दिया गया है, और अगर हमें बताना है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पर सीधा बोलते हैं कि सर के स्क्वायर -2 हो जाएगा। भी पूरा हम फॉर्मूला खोल के भी बताएंगे आपको, लेकिन हाँ इतना याद रख लीजिए, आपका काम काफी आसान हो जाएगा ये। ठीक है भाई, एक तो हमारा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, अगर हमारे पास एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू के दी गई हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि सर के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। मैंने जो पॉइंट बताया ना उसको याद रखना, माइनस है ना यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपको ये दिया गया है, इसके बाद फिर आप ये निकाल पा रहे हो। ये दो पॉइंट हमने आपको बताया है स्क्वायर वाले पोर्शन में। स्क्वायर वाले पोर्शन में एक मजे की बात पता है क्या होती है, आप प्लस से जा रहे हो या माइनस से जा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आप प्लस पहुंच रहे हो प्लस में ही। देखो ये प्लस है आपका, यहाँ पर आप प्लस में ही तो पहुंचे जी, यहाँ पर भी आप प्लस में ही पहुंचे थे, तो आप प्लस में ही पहुंच रहे हैं। आप प्लस से जा रहे हैं तो भी प्लस में पहुंच रहे हैं, और माइनस से जा रहे हैं तो भी प्लस में पहुंच रहे हैं। इनके चिन्हों का रोल अलग है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो इनका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये दो पॉइंट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई, समझ गए, हैप्पी होली सभी को। ठीक है, चलिए जी, धन्यवाद। अब देखो ये पॉइंट हमने आपको बताया है, दो पॉइंट। आपके मन में एक बात और आएगी कि सर अगर हमें मान लीजिए माइनस में जाना हो तो फिर हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। हाँ, ये बात आप बोल सकते हैं मुझसे, तो इस पॉइंट को हम आपको जस्ट अभी बताने वाले हैं 2 से 4 मिनट के बाद। लेकिन हम एक बार क्यूब का कॉन्सेप्ट और हल्का सा समझ लेते हैं यहीं से, ताकि चीजें आपको सभी स्पष्ट हो जाए अच्छे तरीके से। अगर हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू k है, अगर हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू k है
हम एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू को कैसे देखते हैं? अगर हम आपसे पूछें या एग्जामिनर हमसे पूछे कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, है ना, तो आप क्या कहेंगे यहां पर? के क्यूब माइनस थ्री के, इसमें आपको के का मल्टीप्लाई करना है और एक्स्ट्रा, ये बात थोड़ा सा अच्छे से याद रख लीजिएगा आप। और वो बात तो आपको यहां पर याद रखना है, यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अगर यहां पर आपका प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, अगर यहां पर माइनस होता तो यहां पर प्लस होता। अभी देखना ध्यान से, अगर ये वैल्यू हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यहां पर कि सर के क्यूब प्लस में थ्री के हो जाएगा। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, लेकिन इसमें क्यूब वाले केस में पता है क्या है एक नई बात? इसमें नई बात यह है कि अगर आप यहाँ पर माइनस से जा रहे हैं, प्लस से प्लस में जा पाएंगे, है ना, और माइनस से माइनस में जा पाएंगे, ये दो पॉइंट जो बताया हमने आपको। बाकी ये वाला, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दो पॉइंट तो आप ऐसे याद रखने ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि जो हमने ये चार बातें आपको बताई हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, है ना, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। अब हम कुछ सवालों के माध्यम से अपनी बात और रख लेते हैं यहाँ तक। देखो जरा, जैसे अगर आपसे कहें, जैसे अगर आपसे कहते हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर हमारे पास 10 है, अभी जो पैटर्न हमने आपको बताया ना, वो कहाँ से निकलते हैं, वो दो कहाँ से आते हैं माइनस प्लस, एक बार वो बता देते हैं, फिर डायरेक्ट हम सवालों को हल करना सीखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट अगर हमें दिया गया है और हमसे पूछ लिया गया है कि आप बताइए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे बताएंगे भाई, हमें स्क्वायर तक ले जाना है, यहाँ पर पावर कितनी है आपकी? कुछ नहीं है, तो एक पावर ही तो मानी जाती है, यानी हमें क्या करना है, पावर को दो गुना करना है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? पावर हमें डबल करनी ना, एक से लेकर दो करना है, तो हम दो बोलेंगे, दो गुना करनी है पावर। जब आपको दो गुना पावर करनी हो ना, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर ले लीजिए दोनों साइड का। अगर हमें तीन गुना पावर करनी होती तो हम क्यूब लेते, टेकिंग स्क्वायर। दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे यहां पर, ठीक है। जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे यहां पर x प्लस वन अपॉन एक्स में, यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारे पास कितना जी, 2ab। देखो हम यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। चलो ए की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x है, तो x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर हो जाएगा अपना, ये बराबर में हम 10 का स्क्वायर ही लिख देते हैं, 100 नहीं लिख रहे अभी हाल के लिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो गया हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, अब एक का स्क्वायर करेंगे और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 2 हो जाएगा और बराबर में हमारे पास कितना जी, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, कहाँ कुछ दिक्कत, बस यहाँ से आपका पैटर्न निकल गया। अब जब आप दो को यहाँ पर ले आएंगे ना, तो आप पक्षांतर करने के बाद यहाँ पर उसे माइनस में बोल देंगे, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लस वाला है ना वो माइनस में हो जाता है, क्योंकि जो प्लस वाला है वो इस साइड तो प्लस वाला होगा, लेकिन जैसे इस साइड जाएगा ना तो माइनस वाला आपका हो जाएगा, यानी ये तरीका है। और हम आप सॉल्व करके 98 अपना आंसर बोल देंगे, अदरवाइज हमने आपको डायरेक्ट बोला ही था, क्या बोला था कि हम इसको ऐसे बोलेंगे सर के की वैल्यू अगर ये है तो हम के स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे और यहाँ पर 98 अपना आंसर आ जाएगा। तो तय आपको कर लेना है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट कर लीजिए या फिर पूरा कर लीजिए, जैसा भी आप ठीक लगे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट में और मजा आएगा, है ना। चलिए
तो ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब अगर हम यहाँ पर माइनस वाला भी आपको समझाते हैं थोड़ी देर के लिए, माइनस वाले में क्या होगा, जैसे यहाँ पर माइनस है तो हम उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, क्योंकि अगर आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी देखेंगे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी होगा। तो यहाँ तो प्लस ही आएगा आपका, यहाँ पर माइनस का टू ए भी आएगा। तो जो माइनस का टू होगा ना, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो ही जाएगा, तो माइनस वाला जो टू होगा ना, यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। यहीं से ये नियम जो है हमारे निकले हैं। बाकी बातें आप समझ रहे होंगे, आसान है सभी बातें। अगले सवाल तक चलते हैं हम। और देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर हमारे पास यहाँ पर सात है, यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर लिख दिया आपका आठ लिख दिया, और हमें बताना क्या है, बताना है हमें कि एक्स की पावर टू यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ। बता पाएंगे हम लोग? अब सोच को एक सोच के देखो एक बार। क्या करेंगे अब, यहाँ पर समझ में तो पूरी बातें आ गई है। आठ का स्क्वायर माइनस का टू कर लेंगे, यानी 64 माइनस 2 यानी डायरेक्ट 62 लिख दे रहे हैं हम। समझ गए ना पूरा लॉजिक कैसे काम करता है। इसके स्क्वायर को माइनस दो कर दिया, चूंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस कर देते। जैसे देखो आगे वाला एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के लो, अगर हम यहाँ पर 10 दे देते हैं आपको और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो माइनस के केस में माइनस का दिया जाए, स्क्वायर के केस में या तो माइनस का दिया जाए या प्लस का दिया जाए, फाइनली निकालेंगे आप प्लस वाला ही। इस मेथड से मेथड चेंज करेंगे तो हाँ, फिर हम अलग अलग तरीके से तो अलग अलग क्वेश्चन निकाल ही सकते हैं। समझ रहे ना मेरी बात आप? देखो यहाँ पर करेंगे सर 10 का स्क्वायर, और वहां पर माइनस के लिए देगी ना, यहाँ पर इसलिए प्लस कर देंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा सर 102। ऐड कर लीजिएगा आप इनको, ठीक है। सवाल और करते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2√3, ठीक है। और जो फाइंड करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस में वन अपॉन एक्स स्क्वायर, करेंगे आप? यदि हाँ तो करिए। पॉइंट हमने आपको दे दिए, अब चीजें बस उलझाई जाएंगी आपको। कभी रूट में देगा डेटा तो कभी दशमलव में देगा, यही सब होता रहेगा। 2√3 का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे। अब देखो माइनस कह लो देगी ना, मैं यहाँ पर एक्स माइनस की, तो फिर हम यहाँ पर प्लस करेंगे। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनका हम स्क्वायर कैसे करते हैं। एक नंबर सिंपल है, एक रूट वाला है। देख इनके बीच में पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसका मतलब तो गुणा होता है, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर आप करोगे ना, और ब्रैकेट के ऊपर लगाए, इसका मतलब है कि दोनों का स्क्वायर करना है आपको। तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, तो 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे भाई 12 तो ये हो गया आपका, और 2 ये यानी 14 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हुआ जी? 14 आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। समझे इस पॉइंट को? और यदि आप समझ भी गए हो इस पॉइंट को, तो देखो अगला एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर हम कुछ और दे देते हैं आपको, ठीक है। ये दे दिया हमने, और ये पूछा गया है आपसे कि आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, निकालिए सवाल का आंसर।
देखो, जिनका आंसर आ रहा है 78, उनका आंसर सही है। कैसे? चार अंडर रूट पांच का हम पहले तो स्क्वायर करेंगे दोस्तों, उसमें से दो घटाएंगे। घटाएंगे इसलिए क्योंकि यहां पर हमें एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई, यहां पर प्लस, इसलिए घटाएंगे। अब चार का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, अंडर रूट पांच का स्क्वायर करेंगे तो पांच आएगा, तो 16 पंच 80, 80 में से अगर हम दो घटा देंगे यहाँ पर तो हमारे पास 78 आ जाएगा, 78 ये आंसर है। तो मुझे भरोसा है इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे, बाकी अब डेटा आपसे उलझाया जाएगा तो हम उलझ लेंगे, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा क्यूब का कॉन्सेप्ट समझते हैं एक बार, फिर हम स्क्वायर पर एक बार वापस आएंगे। अभी हमारे पास यदि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर है 4, ठीक है, ये अगर वैल्यू हमें दी गई है और हमसे पूछा गया है कि आप बताइए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखो, अब यहां पर हम बोलेंगे सर कि 4 का क्यूब माइनस में, देखो k का क्यूब माइनस में 3k हो जाएगा, और k की वैल्यू हमारे पास ये है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात, अगर हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर क्या हो जी k हो, तो यहाँ पर बोलेंगे कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, हो जाएगी के क्यूब माइनस 3k, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। समझे हो कि नहीं? तो बस इसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर डेटा प्लस वाला होगा तो हम यहाँ पर माइनस वाला कर देंगे, और अगर माइनस वाला होगा तो हम प्लस वाला कर लेंगे। यहाँ जैसे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर के है, मजे की बात यह है कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस ही होगा, क्यूब के केस में। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा, के क्यूब प्लस में 3k, ठीक है। तो बस समझ गए होंगे आप, 64 में से अगर हम 12 घटा देंगे यहाँ पर तो हमारे पास 52 आ जाएगा, 52। पॉइंट क्लियर है? अभी रिवर्स जाना भी हम सिखाएंगे आपको कि रिवर्स कैसे जाते हैं। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर यदि हमारे पास सपोज 5 है और हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ से, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की, देखो यार यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। अब यहाँ पर माइनस है ना तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ 3 गुणा 5 कर देंगे यहाँ पर 3k, k की वैल्यू तो हम यहाँ पर यही मानते हैं ना, ये जो तो डेटा दिया जाता है ना इसी को हम लोग k मान लेते हैं समझने समझाने के लिए। तो 125 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, मेरा ख्याल है, जो उम्मीद है मेरा ख्याल ठीक होगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने निकाल दिया, ये बड़ी बेसिक सी बातें थी। इसका एक क्यूब वाला रूट वाले पोर्शन भी हमें कई बार दिए जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाएगा कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर है हमारे पास अंडर रूट 5, ठीक है, और हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस में वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, कैसे देखते हैं आप? करिए,
देखो जरा क्या करेंगे इस, ये तो हमारी वैल्यू जो है वो के की वैल्यू है ही, इसमें तो कोई राज़ी है नहीं। आप क्या करेंगे, के क्यूब करेंगे हम, माइनस में 3 के करेंगे, ठीक है ये करेंगे। अब रही बात हमारी क्यूब करने की, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वैसे तो आप करेंगे 5 125 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, है ना, फिर आप 125 को 25 गुणा 5 लिखेंगे, फिर 25 को बाहर। एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, यहाँ पर अगर इसको आप डिटेल में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखे हुए ना। अब देखिए ये जो 2 बार 5 लिखे ना, ये एक्चुअली गुणा होके बाहर आ जाएगा, या ऐसे ही बाहर आ जाएगा, समझ लीजिए आप इसे। एक बार ये बाहर निकल आएगा, एक बार अंदर। जब भी आपको ऐसे नंबर का क्यूब करना हो, एक ऐसा नंबर हो जो पूरा का पूरा रूट के अंदर हो, एक ऐसा नंबर हो जो पूरा का पूरा रूट के अंदर हो और उसका क्यूब करना है हमें, तो एक बार उसे हम बाहर निकाल देते हैं और एक बार अंदर लिख देते हैं रूट के। हो गया समझो अपना क्यूब, ठीक है, एक क्यूब हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 5। अब आप घटा लीजिए, और घटा हम तब पाते हैं जब रूट की संख्याएं समान हो। तो फिलहाल इस केस में तो रूट की संख्याएं समान आती ही हैं, रूट वाले नंबर को नहीं घटाते हम, बाहर वाले को घटाते और जोड़ते हैं। तो 3 में 5 में से अगर 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 अंडर रूट 5 ये आंसर है। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं घटता है, क्योंकि अगर आप अंडर रूट 5 कॉमन कर लेंगे तो 5 माइनस 3 बचेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं। समझ गए होंगे ना दोस्त बात को आप। तो ये अपना पॉइंट था, एक और देख लेते हैं इसी टाइप का एक और पॉइंट। x-1/x अगर हमारे पास √7 है और हमें वैल्यू निकालनी है x³-1/x³ की, कैसे मैनेज करोगे भाई, करके दिखाओ एक बार मैनेज। देखो क्या करेंगे यहां पर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना हमारा, चूंकि माइनस है, यहाँ पर 3 गुणा √7 करेंगे। सॉल्व कर लीजिए भाई, इसका क्यूब करेंगे तो हम 7 अंडर √7 कर लेंगे यहां से, और प्लस में करेंगे कितना जी, 3 अंडर √7। 7 और 3 को जोड़ लेंगे हम, रूट के अंदर वाले नंबर को ना जोड़ना है ना घटाना है, ठीक है। 7 और 3 10 हो जाएगा अपने पास, ये 10 अंडर √7 ये आपका है आंसर। तो प्लस और माइनस के दोनों के केस हमने समझा दिए हैं आपको, क्यूब वाला समझा दिया है, स्क्वायर वाला समझा दिया है, इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी आपको। अब बात आती है हम, क्या हम माइनस से प्लस में और प्लस से माइनस में कैसे जाएं, क्योंकि वो पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो समझते हैं, इसके लिए हमें दो फॉर्मूले याद रखने होते हैं। देखो क्या याद रखना होता है हमें, अगर हम आपसे कहें कि एक्स, अगर हम आपसे कहें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, तो क्या आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या आपको लग रहा है कि हाँ लिख सकते हैं, कैसा लग रहा है कि सर ये क्या लिख दिया आपने, कैसा अजीब सा फॉर्मूला है, ये गलत बात है, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको। अगर ऐसा लग रहा है ना, तो एक काम कर लीजिए, एक छोटा सा काम, आप LHS = RHS करके देख लो एक बार, ठीक है। ये दो फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट तो नहीं है यार, अगर इन दो फॉर्मूले में डाउट नहीं है तो इन्हीं से संबंधित मुझे 2-3 फॉर्मूले आपको बताने हैं,
जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हम करते क्या है, हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं फिलहाल। फिर हम आपसे पूछे कि ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, तो आप बोलेंगे अंडर रूट। हम यहाँ से स्क्वायर हटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर अंडर रूट लगा दे रहे हैं इस साइड। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 4ab, पहला पॉइंट। अगर हम आपसे कहें कि ए माइनस बी का फॉर्मूला बताइए, तो यहाँ पर हम बताएंगे क्या, जिस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab बता देंगे। बताओ इनमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इनमें क्या दिक्कत हो सकती है किसी को भी। अब देखो फिर, अगर ऐसा दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते रहे, ए की जगह पर एक्स रख दे रहे हैं और बी की जगह पर 1/x रख दे रहे हैं, ध्यान देना इस बात को। और यहीं से हम कुछ फॉर्मूले अब बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका फॉर्मूला अगर हमें, ये बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूले बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हम लिखेंगे सर एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा हमारे पास 4। आप बोलेंगे सर ए बी क्यों नहीं लिखा हमने? देखो यार, ए बी लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक स्थान पर हम एक्स रखेंगे, बी के स्थान पर 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट 4 ही लिख दिया। ठीक है, ये और भी कोई दूसरे के रेसिप्रोकल माने ना हमने यहाँ पर इस केस में, तो समझ रहे होगे शायद बात को, समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया। देखो तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा वाला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें आपसे, एक्स माइनस 1/x, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी ध्यान रखना इस बात का, यहां पर होगा हमारे पास एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 4। देखो अगर प्लस की वैल्यू निकालनी है हम तो 4 जोड़ देंगे, ध्यान रखना इस बात का, अगर हम प्लस की वैल्यू निकालेंगे तो 4 जोड़ देंगे, अगर माइनस की वैल्यू निकालेंगे तो 4 घटा देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं ना, वो मेन पॉइंट हमारा ये है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड करने वाली है। हम आपको एक सवाल यहाँ पर लगा के दिखाते हैं, वो सवाल यहाँ पर लगा के दिखाओ। जैसे मान लीजिए, अब इन फॉर्मूलों को आप अपने नजर में बिठा लीजिए अच्छे से, इनको बार बार लिखने की आवश्यकता ना पड़े। कुछ ऐसा करिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू है हमारे पास 4, और हमें एक्स माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है, अब किस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, थोड़ा सोच के देखो यार, बात बन जाए शायद। हमें निकालनी है वैल्यू एक्स माइनस 1/x की, तो आप बोलेंगे हम इसका यूज करने वाले हैं सेकंड वाले फॉर्मूले का, है ना, सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जब सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे करेंगे ना, तो क्या करोगे आप, हम डायरेक्ट लगाते हैं, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, समझो हमने फॉर्मूला लिख ही लिया है, क्या लिखेंगे अंदर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब ये पूरी वैल्यू ना रख के, ये सब कुछ लिख के ना, हम सीधा वैल्यू ही डायरेक्ट पुट कर ले रहे हैं, 4 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ से देख के अब चूंकि माइनस के लिए निकाल लिया ना, तो 4 घटा लेंगे, यहाँ पर हमने कहा भी था आपसे, तो अंडर रूट 12 आ जाएगा अपना आंसर, है ना, अंडर रूट 12। अब कुछ लोग अंडर रूट 12 ही छोड़ देंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, देखो अंडर रूट 12 तक अगर आप बात को समझ गए ना तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि ये सब बातें हमने यहाँ से ही समझाई हैं आपको। अब अगर हम रूट के अंदर 4 × 3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं फिलहाल? जी सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा, रूट के अंदर 3 ही बचे जाएगा, यानी 2√3, ये कुछ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कोई समस्या आपको होगी फिलहाल के लिए। देखो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट करो, ये पेज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आएगा और मजा, इसका एक बार बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
देखो यार, आज की जो क्लास है आपकी वो इतनी ही हो पा रही है किसी वजह से। बाकी मैं आपको ये जो ये पूरा सेशन है कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। बाकी आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप आपके मोबाइल में होना बहुत जरूरी है ताकि आपको PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ से मिलता रहे। ठीक है, तो ये पेज जो है वो आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। बाकी हम बहुत सारी चीज़ें आपको कल यहीं से बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल मुलाकात एक बार पुनः करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।